नगर निगम द्वारा आरओबी निर्माण की जद में आने वाली दुकानों को कराया खाली। पुलिस लवाजमे के साथ निगम का दस्ता पहुंचा दुकानों को हटाने। आश्वासन के बाद दुकानदारों ने स्वयं खाली की दुकानें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। RSRDC द्वारा नगर निगम को लिखित पत्र द्वारा गुलाबबाड़ी मदार रेलवे क्रॉसिंग के पास आरओबी निर्माण की जद में आ रही दुकानों को खाली कराने के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर मंगलवार को नगर निगम के दल ने दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ देर 6 दुकानों के मालिकों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन निगम आयुक्त द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद दुकानदार खुद दुकानें खाली करने को राजी हो गए। निगम के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जो 72 दुकानें हटाई गई थी, उस दौरान जो निर्णय दुकानदारों और निगम के बीच हुए थे, वही निर्णय इन दुकानों के लिए भी लागू होंगे। तय बाजारी के तहत 2x2 की दुकान नए स्थान पर आवंटित कर दी जाएगी। इसके बाद दुकानदार अपने स्तर पर दुकानें खाली करने लगे हैं। मौके पर पुलिस थाना अलवर गेट का जाप्ता और CO मनीष भी मौजूद रहे। निर्माण किया जा रहा है तो RSRDC द्वारा निगम को लिखित में पत्र देकर बताया गया कि ये जो 6 दुकानें हैं ये भी इसमें हमारे इसमें आ रही है डिज़ाइन में, तो इनको हमने मौका दिखाया, हमारे ENs वगैरह आए, मौका देखा तो उसमें देखा कि ये जो 6 दुकानें हैं इनमें जो आगे 6.25 फीट आगे चद्दर लगा के इन्होंने निगम की ज़मीन पर अतिक्रमण है, और जो आयुक्त सर का जो आदेश था उस आदेश की पालना में हम यहाँ आज आए हैं। यहाँ के जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद सर हैं, जो है निवर्तमान पार्षद और जो ये दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारा ये निगम की हम किराया इसका जमा कराते हैं, तो जो पिछली बार जो 72 दुकानें हटाई थी और उन दुकानों में जो डिसीजन हुआ था, अभी कलेक्टर साहब को भी सर ने अवगत कराया है, देविका मैडम भी अभी कलेक्टर है, तो जो डिसीजन उनके साथ हुआ था वही वैसा ही इन्हीं के साथ होगा, और इनका रिकॉर्ड जो तहबाजारी का है 2x2 मीटर का इनकी दुकान वापस अलॉट करने का है, और जो अतिक्रमी भी है 2 है यहाँ पे, एक तो मिस्टर निरंजन कुमार गुप्ता जी है और एक नवल किशोर जी खंडेलवाल है, तो केवल इन 2 का ही इशू है यहाँ पे, और ये खुद अभी इस जो अतिक्रमण है ये खुद मान रहे हैं, तो इसको ये खुद अपने स्तर से हटा देंगे और कार्रवाई सारी सुचारू हो जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वही पूर्व पार्षद समीर शर्मा और दुकानदारों का कहना था कि दशकों से यहां दुकान चला रहे हैं, लेकिन नगर निगम बिना पूर्व सूचना के ही दुकानों को हटाने आ गया। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जैसे लिखित कागजात 72 दुकानों के दिए गए थे, उन्हें भी दिए जाएं। यहां आज सुबह 10 बजे के आसपास नगर निगम का जाप्ता आया है, और ये जो 3-4 दुकानें हैं इनको तोड़ने के लिए ये कार्यवाही इन्होंने शुरू करनी चाहिए, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, यहाँ ब्रिज बनने से पहले लगभग 72 दुकानों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है कि ये सारी दुकानें जो हटाई गई हैं इनके एवज में इनको यहाँ पर ब्रिज के नीचे जमीन दी जाएगी और दुकानें सरकार बना के दी। जब ये कार्यवाही हो रही थी उस वक्त 3 तरह की दुकानों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 99 वर्ष की, 30 वर्ष की, और उसी के साथ साथ जो अतिक्रमित दुकानें थी उन सबको भी सरकार ने पुराना कब्जा मानते हुए रेगुलराइज किया, और बहुत अच्छा निर्णय रखते हुए उनके लिए भी दुकान बना के देने का उन्हें लिखित में पत्र दिया गया। अब अभी 30 तारीख को, शायद 31 तारीख को इनको नोटिस दिया गया कि साहब आपको एक पहले पत्र दिया गया था, उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया, जबकि ये गलत है। इनको पहले कोई पत्र नहीं मिला,
लेकिन उसके बावजूद भी चले मान लिया कि आपने पहले पत्र दिया, 31 तारीख को इनको नोटिस दिया कि 3 दिवस के अंदर अंदर आप आपके जो भी आपके पास में इन दुकानों का कब्जा है, दस्तावेज है या जो भी आपके पास में रजिस्ट्री वगैरह है वो सारी की सारी आप पेश करें। दुकानदारों ने ले जा करके अपने जो भी दस्तावेज थे वो दे दिए। अब इन दस्तावेजों में दो स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ एरिया ऐसा है जो कि इनका रजिस्टर्ड शुदा है और कुछ एरिया ऐसा है जिसका कि इनके पास में नगर निगम की तरफ से रसीदें हैं। हमारा कहना सिर्फ यह है कि सरकार तोड़ना चाहती है, नगर निगम तोड़ना चाहती है, सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो न्याय संगत स्थिति दूसरे दुकानदारों के साथ रही है वो स्थिति इनके साथ भी की जाए, इनके नाम पर पत्र जारी किया जाए, जो भी इनका मालिकाना हक है उसके अनुरूप सरकार क्या सोचती है वो पत्र जारी कर दे, तो ये खुद अपनी इच्छा से अपने तरीके से हटा लेंगे। लेकिन अगर उस पत्र को जारी करने से पहले किसी तरह की कार्रवाई की गई तो उसका हम सब लोग विरोध करेंगे, उसके लिए फिर चाहे से हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम प्रशासन और दुकानदारों के बीच आपसी बातचीत के बाद आश्वस्त होने के चलते वे स्वयं दुकानें खाली करने को तैयार हो गए। अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें नए स्थान पर दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। जगह है ये और किस तरह के आज जो है निगम की जो कार्रवाई कर रहे हैं? ये गुलाबबाड़ी फाटक नया नाक मैदान है। नगर निगम ने बिना पूर्व सूचना के ही बिना हटाने आ गए, बिना किसी सूचना के बिना। कितनी दुकानें हैं यहाँ? यहाँ पे 6 दुकानें, वैसे 2 दुकानें पर धूप में 6 बटी हुई हैं। और अभी पहले क्या कार्रवाई कर चुके हैं और आज क्या करना है? पहले इन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के बिना ही कार्रवाई की है। आगे हमें लिखित आश्वासन मिल जाए, लिखित में मिल जाए तो अपने तो स्वयं खाली कर रहे हैं। हम स्वयं खाली कर रहे हैं। बात हो गई जी, हमारी बात हो गई है। क्या बात हुई? जैसे बात इन्होंने कहा है कि जो अपने पुलिया के नीचे जो भी निर्माण होगा उसमें दुकानें आवंटित की जाएगी, उसमें मिल जाएगी। पिछले 60 साल से नगर निगम के किराएदार हैं भारवाला पुल। ये बची हुई जो तोड़ने के लिए, ये 4 दुकान 3 दुकान है, 6 दुकान है। इनको ये तोड़ने आए बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। पहले कोई नोटिस नहीं? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है। ये दुकानें हमारे पैदा होने से पहले से 1956 से है और 1960 से हमारे पिताजी यहाँ नगर निगम को किराया, नगर पालिका को किराया देते थे। रसीदें हमारे पास पुरानी आज भी हैं। क्या चाहते हैं? हमें, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमें लिखित में कोई नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि हमें जैसे पुराने एक बेहतर दुकानदारों को दिया गया उसी तरह हमें भी कुछ आश्वासन दिया जाए और हमें भी उसी तरह की कोई नोटिस। मेरे पास 30 को निकला था, 31 तारीख को आया था और उसके साथ फ़ोन आया था कि आप अभी के अभी जवाब दो। मैंने अभी मैं बाहर हूँ, कल जवाब दे दूँगा। 1 तारीख को मैं 11 बजे उनको जवाब दे आया, उसके बाद कुछ ही नहीं है। केवल कल रात को कह के गए कि कल सुबह जैसे भी नगर निगम का जाप्ता आएगा और आपकी दुकानों को तोड़ देगा। मेरे पास उसके बाद कोई नोटिस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। भाई आपको अवैध है क्या है कुछ, किस तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। केवल ये कहा गया रात को कि कल सुबह नगर निगम का जाप्ता आएगा और तोड़ देगा। मैंने भाई हमको कोई जवाब का तोड़ने आएंगे दुकान नहीं आया, बस अभी तोड़ने आए हैं वो जैसे वो नहीं अभी भाई एक लीगल पॉइंट तो मिले हमको, किसी तरह का जवाब नहीं है। जब हम